News 18, India. आंकड़ा समझना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। तो भारत रत्न के ऐलान के बाद ही ये पूरा सियासी सीन, पूरा सियासी स्नैरियो किस तरह से बदला। कुछ बयान जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिसके अपने अपने मायने यही है कि ये बिहार की सियासत से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से सुशील मोदी को आपने सुना भाई कि राजनीति में दरवाजे हमेशा बंद नहीं रह सकते, यानी परिस्थितियां हालात ऐसे बनते हैं तो विरोधी भी दोस्त बन जाते हैं और दोस्त भी विरोधी बन जाते हैं। ये तीनों चेहरे बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त घटनाक्रम में। जीतन राम मांझी 19 तारीख को सबसे पहला ट्वीट इन्हीं ने किया था और अपने विधायकों को पटना बुलाया था। वो ये कह रहे हैं आज ही हो जाएगा क्या खेला और क्या। ये जीतन राम मांझी के शब्द हैं। आप याद रखिए, जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में बहुत बड़े चेहरे और बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। और जाहिर सी बात है, अभी फिलहाल हम के पास में 4 सीटें हैं, सीटों के लिहाज से भले ही कम हो लेकिन पलटवार के तरफ से जरूर आगे हैं। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी अगर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ये कह रहे हैं, तो यानी वो सियासी तस्वीर बनती हुई नजर आती है जो साल 2020 में बनी थी। बीजेपी भी यहां पर उस मोड पर है जहां वो ये समझती है कि लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव सिर पर है और ऐसे में जनता क्या सोचती है उस हिसाब से भी फैसला लिया जा सकता है। नीतीश का इस्तीफा होगा या नहीं, आने वाला समय तय करेगा। तो बिहार में क्या कुछ होने वाला है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जीतन राम मांझी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। बिहार में पल पल राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी जो बोलते हैं वही होता है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं जीतन राम मांझी जी। आपने कहा था कि 25 के बाद बिहार में राजनीतिक परिस्थिति बदलेगा और एक बार फिर से वही होते हुए दिख रहा है। क्या लगता है अगला 2 दिन कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए? देखिए, हम इस आधार पर कहते हैं कि नीतीश कुमार दिन और शुभ और अशुभ चीज देख कर चलते हैं और सब लोग प्रायः चलता है। एक आध दो हमारे ऐसे आदमी हैं जो सब दिन को अच्छा ही समझता है। तो 22 तारीख के बाद एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है भारत में और हिंदू सीएम में। नीतीश कुमार बहुत पहले बोल चुके थे अपने सारे विधायकों को कि 20 से 25 तक के रहना है, बना रहना है पटना में। अब उसको और बढ़ाए हैं, 30-31 तक के कहा है उन्होंने। तो उस आधार पर और भी पार्टियां अपना सतर्क होकर के काम किया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा था कि साहब 20 के बाद राजधानी में रहना है। तो सभी विधायकों को अलर्ट रखने का मतलब ही होता है कि कोई ना कोई राजनीतिक निर्णय लेंगे। इस आधार पर हमने कहा था कि 20 तारीख के बाद 25 तारीख तक या 30 तारीख तक बिहार में कुछ ना कुछ होगा और उसका आप देख रहे हैं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लेकिन अब भी ये किसी को नहीं मालूम कि आखिर नीतीश कुमार का जो अब अगला फैसला होगा वो क्या होने वाला है, क्योंकि हर बार पाला बदलते आए हैं नीतीश कुमार। बिहार में जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद ये दो बड़े चेहरे निकलकर सामने आए थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। दोस्ती काफी अच्छी रही लेकिन बाद में धीरे धीरे कैसे खटास आती रही और नीतीश कब नीतीश ने पाला अपना बदला है वो भी आप समझिए। 1998 में एनडीए में सबसे पहले शामिल होते हैं नीतीश कुमार और उसके बाद 2013 में वो एनडीए छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि वो अकेले ही अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें 2 ही सीटें केवल उनको यहां पर मिलती हैं। और 2017 की बात जब आती है तो एनडीए में वो दोबारा से फिर से एक बार शामिल हो जाते हैं। साल 2022 में फिर से वो एनडीए छोड़ देते हैं और साल 2023 और 24 अब एनडीए में उनकी वापसी होगी या फिर नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आगे क्या करेंगे नीतीश कुमार। बार बार पाला वो बदलते हैं, क्या इस बार भी वो पाला बदलेंगे या फिर नहीं, क्या होगा इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। तेजस्वी यादव ने अपने करीबी विधायकों और मंत्रियों को बुला लिया है क्योंकि आरजेडी के लिए इस वक्त परिस्थितियां बेहद मुश्किल हो गई हैं। मैं आपको तस्वीरें दो दिखा रही हूं और जो आप दूसरी वाली तस्वीर देख रहे हैं, अशोक चौधरी ने पर्ची हटाई और खुद बैठ गए, लेकिन बीजेपी के विधायक से एमएलए से बात कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा से, देखिए लगातार बातचीत की गई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं नीतीश का रुख बीजेपी की तरफ तो नहीं है। तो हम ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं जो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तस्वीर है। राजभवन में हाईटी कार्यक्रम की ये तस्वीर आप देखिए, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, न्योता दिया गया था और ऐसे में वो तस्वीर यहां पर सामने आ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी वहां आते हैं, तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची हटाकर खुद बैठ जाते हैं।
तो ये तस्वीर आप देखिए, अशोक चौधरी से बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी के ठीक साइड में अभी थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे बीजेपी के एमएलए हैं विनोद कुमार सिन्हा, वो आकर बैठ जाते हैं और उनसे बातचीत होती है। ये तस्वीर महज तस्वीर नहीं है, आप इसको आज बदलते घटनाक्रम की सबसे बड़ी तस्वीर समझ सकते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज से चीजों को समझ सकते हैं। इस तरीके से बातचीत करना, आरजेडी का यहाँ न पहुंचना बहुत कुछ बताता है। हम आपको टैली भी लगातार दिखा रहे हैं, लालू के पास आखिर कितना है आंकड़ा और नीतीश कुमार के पास कितना आंकड़ा होने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। आईटी का हर बार जो है यहाँ कार्यक्रम रखा जाता है, गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल आते हैं, सबके साथ में चाय पीते हैं, सभी विधायकों के साथ। आरजेडी के विधायक हर बार यहाँ होते थे नीतीश कुमार के साथ, तेजस्वी यादव हर बार मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की लेते दिखाई देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि इस बार चीजें बदल गई है। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जाते हैं राजनीतिक परिदृश्य जो होगा वो देखा जाएगा।